क्या सेकंड हैंड लैपटॉप्स लेना वर्थ इट है? चलो मैं बताता हूँ। अभी फिलहाल में हमने 3 लैपटॉप्स लिए थे, एक थिंकपैड, एक एचपी एंड एक मैकबुक प्रो, एंड इट वाज दी फर्स्ट मैकबुक इन अवर स्टार्टअप। सो मैकबुक की परफॉर्मेंस एंड बिल्ड क्वालिटी वाज A1, एचपी की वर्किंग एंड बॉडी भी टॉप नॉच थी, एंड थिंकपैड वाज आल्सो वर्किंग गुड, बट उसके स्क्रीन में थोड़े व्हाइट डॉट्स दिखे। तो आज हम इसको चेंज करवा के लाने वाले हैं। सो आज जल्दी उठ के नहा धो के ऑफिस आकर कुछ अर्जेंट ऑर्डर पैक करने थे, लाइक USA का ये ऑर्डर DHL से शिप करना था, जिसके शिपिंग के $35 पे करे हुए थे कस्टमर ने। सो ऑर्डर पैक करने के बाद पूजा करके सबको बाय बोलकर हम चल दिए शॉप की तरफ, मेट्रो में अपनी फेवरेट कोने वाली सीट पर बैठकर। सो हमने डेल और थिंकपैड का लैपटॉप ट्राई करने के बाद HP का ZBook पसंद करा, जिसकी परफॉर्मेंस और मेटलिक बॉडी पिछले थिंकपैड से बहुत अच्छी थी एंड थोड़ा एक्सपेंसिव भी। सो हमारे लिए सेकंड हैंड लैपटॉप्स लेना हमेशा से वैल्यू फॉर मनी वाली डील रही है, बिकॉज सालों से हमारे ये लैपटॉप्स अच्छे से काम कर रहे हैं। आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट्स में जरूर बताना। एंड दैट वाज डे 376 इन अवर स्टार्टअप। हमने तो अपना बता दिया, पर फिर भी लोगों के मन में डाउट रहता ही है कि